everyone, welcome back to our channel. And in this video I'm going to discuss the writing section of class 12th English examination जो अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ है CBSE का टर्म सेकेंड. और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी सेट 2 के 3 राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 3 आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट और यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन दिख जाएगा. राइट, सो ये बोल रहा है कि मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल ऑफ पुष्प फार्म्स कोलकाता आर होस्टिंग अ पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ 21st बर्थडे ऑफ देयर डॉटर विनीता. Write a letter of invitation to Sonakshi, their niece, giving detail of the date, time, venue in about 50 words. And the marking scheme of this question is 3 marks. So, इस question में आपको क्या दे रखा है? First line में host के name दे रखे हैं Mr. and Mrs. Agarwal. उनका address क्या है? Pushpa Farms, Kolkata. ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले तो ये आपने highlight कर लिया that these are the name of centers. और ये इनका एड्रेस है. और ओकेजन क्या है इसमें, इवेंट क्या है कि दे आर होस्टिंग अ पार्टी, बर्थडे पार्टी है उनकी डॉटर की एंड दैट इज़ 21st बर्थडे पार्टी. तो राइट अ लेटर टू इनविटेशन टू सोनाक्षी देयर नीस. अब ये आप एक फैमिली मेम्बर को इनविटेशन भेज रहे हो, सो दिस इज़ अंडर द इनफॉर्मल लेटर कैटेगरी. ठीक है, तो ये इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आएगा. इसमें आपको डिटेल देनी है अबाउट द डेट, टाइम और वेन्यू, मतलब किस डेट को है, क्या टाइम है, वेन्यू मतलब कौन सी प्लेस पे इसको रखा गया है. सो लेट्स सी हाउ यू हैव टू डू इट. सो जब भी आप लेटर लिखो मेक अ बॉक्स. ठीक है, इट्स गुड फॉर योर प्रेजेंटेशन. नाउ फर्स्ट आई हैव रिटन सेंटर्स एड्रेस, दैट इज़ मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल का एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज़ 27 पुष्प फार्म कोलकाता. आई हैव एडिड द हाउस नंबर फिक्शनल. ठीक है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द डेट. अब डेट आप क्या करोगे, बर्थडे पार्टी के लिए आप ऐसा तो है नहीं कि तुरंत भेजोगे. राइट, तुरंत तो भेज नहीं सकते, तो आप एक दो दिन का गैप लेकर ऐसे डेट मेंशन करना. तो मैंने यहाँ लिखा 14th May 2022. नाउ डियर सोनाक्षी, आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग द पार्ट, द मेन पार्ट ऑफ द लेटर. सो इसमें क्या लिखेंगे, वी आर हैप्पी टू इन्वाइट. अब मैंने यहाँ पे वी आर क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल. राइट, सो वी आर हैप्पी टू इन्वाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ आर डॉटर्स 21st बर्थडे ऑन 20th May 2022. यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट लाइन में पोलाइटली आपने सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि ये आपका ओकेजन है, दैट इज़ देयर डॉटर्स 21st बर्थडे, जो कि कब है, 20th May 2022 को, कहाँ है, एट रॉयल रिसोर्स कोलकाता. ये भी मैंने एक फिक्शनल कोई भी आप नाम दे सकते हो उस वेन्यू का. सो मैंने लिया है रॉयल रिसोर्स कोलकाता. टाइमिंग क्या है, 7 PM से PM ऑनवर्ड, मतलब 7 PM से पार्टी स्टार्ट होगी. विनीता विल बी रियली हैप्पी इफ़ यू ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंट. तो विनीता क्या है, डॉटर का नेम है, तो यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया दैट विनीता विल बी हैप्पी, उसको बहुत खुशी होगी अगर तुम इस ओकेजन में आओगी. ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस का मतलब है अगर तुम आके इसकी शोभा बढ़ाओगी. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून. अब यहाँ पर आपने कंक्लूड कर दिया कि तुम्हें विल वॉन्ट टू सी यू एट द पार्टी रियली सून. नाउ सिंस इट इज़ अ इनफॉर्मल लेटर, तो आप इस तरह लिखोगे योर्स लविंगली मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 यू आर गिवन टू क्वेश्चन, 4A and 4B, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट वन ऑफ दीज क्वेश्चन. तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बट मैं आपको इन दोनों का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं रीड आउट करती हूँ उसमें क्या दे रखा है. यू आर चित्रा चेतन देश पांडे रिसाइडिंग एट आकाश नगर आगरा. यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर. राइट अ लेटर इन अबाउट 120 to 150 words अप्लाइंग फॉर द पोजिशन ऑफ अ कंप्यूटर टीचर एट सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा. एंड इसके नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स में जैसे एडवर्टीजमेंट दी जाती है न्यूज़पेपर में वैसा दे रखा है. That situation vacant, wanted a qualified computer teacher for Sunrise Global School Agra. Applicant must be postgraduate in computer science with minimum 3 years of work experience. Mention additional skills and interest. Apply with full
पर्टिकुलर्स विद इन अ वीक टू द प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आप अपने आप को या तो चित्रा या चेतन देशपांडे मान के एक लेटर लिखेंगे। आपका रेजिडेंस कहाँ पे, आप कहाँ रह रहे हो, इस केस में आकाश नगर आगरा। सो फर्स्ट लाइन में आपको आपका सेंडर नेम और सेंडर का एड्रेस मिल गया। यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि आपको जो ये नीचे एडवर्टीजमेंट दे रखी है उसके बेस पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है फॉर द पोजिशन ऑफ कंप्यूटर टीचर, जिसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर्स। ये मेन पॉइंट है। और इसके अलावा जब हम रिज्यूम कवर करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी क्या लिखना है। सो स्टार्टिंग विद द लेटर, तो लेटर को फर्स्ट आप कोई भी अपने फिक्शनल नंबर देकर, मतलब हाउस नंबर हो गया वो लिख देंगे। देन आकाश नगर आगरा, ये आपका एड्रेस हो गया सेंटर एड्रेस। देन लीवर लाइन, फिर आप लिखेंगे डेट, डेट 14 मई 2022। आफ्टर दैट लीवर लाइन। अब आप ये जो तीनों चीज़ लिखेंगे इसके बीच में आपको लाइन लीव नहीं करनी है। अब हम ये लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, तो आप लिखोगे द प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा। देन लीव अ लाइन, देन राइट डाउन सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर टीचर की पोजीशन के लिए एप्लीकेशन है। देन अगेन देयर कम्स सैल्यूटेशन। अब आपको पता नहीं कि वो सर है कि मैम है, सो ये स्लैश लगा के आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैम। नाउ दिस इज अपोस्ट्रोफी, राइट। कीप इन माइंड द स्पेलिंग ऑफ मैम, MA'AM। नाउ यू कैन लीव अ लाइन एंड स्टार्ट विद दिस मार्जिन ओनली, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू डेटेड 10 मई 2022, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ कंप्यूटर टीचर। आई एम इनक्लोजिंग माई रिज्यूम एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। तो टू द पॉइंट रखेंगे, तो इसमें क्या है, आपने लिखा है कि आपने एडवर्टीजमेंट देखी कौन से न्यूज़पेपर में, मैंने लिख दिया था हिंदू में, ठीक है। आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या लोकल न्यूज़पेपर का नाम, जो भी हो। डेटेड डेट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका एडवर्टीजमेंट में क्या दे रखा था, विद इन अ वीक, सो उसके अकॉर्डिंग आपको डेट एडजस्ट करके लिखनी है। मैंने यहाँ लिखा है 10 मई 2022। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ कंप्यूटर टीचर। तो उस एडवर्टीजमेंट को देखकर मैं ऐसा कंप्यूटर टीचर आपके स्कूल में अप्लाई करना चाहती हूँ। आई एम इंक्लूजिंग माई रिज्यूम। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट पैराग्राफ टाइप में, आई एम इंक्लूजिंग माई रिज्यूम एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। तो इसमें आप बता रहे हो कि मैंने मेरे रिज्यूम और सर्टिफिकेट की कॉपीज साथ में दे दी है। Now, what you have to write after that, you may find that my qualification, experience and skills are matching requirement of job. तो जो आपने जॉब के लिए रिक्वायरमेंट बोली है, आप मेरे रिज्यूम और सर्टिफिकेट्स देखकर ये पता लगा सकते हैं दैट दीज आर मैचिंग विद द क्राइटेरिया जो आपने सेट किया है। देन इन एंटिसिपेशन ऑफ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इन एंटिसिपेशन इट्स लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ऐसे कहकर आप कंक्लूडिंग लाइन दे देंगे। आफ्टर दैट लीव अ लाइन एंड राइट थैंकिंग यू। Then leave a line and write yours sincerely. Since this is a formal letter, you have to end with the sincerely or truly or faithfully, right? And then write down your name and leave a line. Then you have to mention the enclosures. मतलब आप इस letter के साथ और क्या भेज रहे हैं? First is resume and second is photocopy of certificates. Now let me show you how to. Sorry. Now let me show you how to write resume. So first of all, name के आगे यहाँ चित्रा लिख रही है तो लिखेंगे चित्रा देश पांडे। Father's name आपको नहीं दे रखा तो आप खुद से fictional लिख सकते हैं, like नवीन देश पांडे। अब इसका एड्रेस आपको क्या था दे रखा था क्वेश्चन की बिगिनिंग में, तो आप लिख लेंगे 44 आकाश नगर आगरा। नाउ डी ओ बी लाइक 27 मार्च 1991। ईमेल
कोई भी फिक्शनल आप डाल सकते हैं। .com नाउ मार्शल स्टेटस, अब इसमें मार्शल स्टेटस के बारे में नहीं कहा गया है, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो आई एम जस्ट राइटिंग अनमैरिड। नाउ क्वालिफिकेशन, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि दैट द एप्लीकेंट शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। तो क्रोनोलॉजी ऐसे चलती है, जो आपने सबसे लास्ट में किया था एजुकेशन फील्ड में वो आप पहले लिखोगे, देन मूविंग टू ग्रेजुएशन, अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, फिर ट्वेल्थ, देन टेंथ क्लास का, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, सपोज उसने कर रखी है MBU रोहतक, अब कौन सा ईयर होगा एंड परसेंटेजेस 87, ठीक है। देन कम्स ग्रेजुएशन, लेट्स से DU। अब पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में लाइक टू ईयर्स का गैप लगाएंगे हम, टू 2013, परसेंटेज 80। देन कम्स हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी कौन सी होती है, ट्वेल्थ क्लास। अब हायर सेकेंडरी में आप कॉलेज या बोर्ड, तो आप चाहो तो उसमें बोर्ड का भी नाम लिख सकते हो, लाइक मैं लिख देती हूँ, या CBSE, आप चाहो तो स्कूल का भी नाम मेंशन कर सकते हो। देन कम सेकेंडरी, सेकेंडरी होती है आपकी टेंथ क्लास, वो भी लगा लो CBSE। तो यहाँ आपने लिख लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी आपकी कॉमन चीज़ें थी। अब इसके बाद आप मेंशन करेंगे आपकी वर्क एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और स्किल्स के बारे में। नाउ लेट्स कंक्लूड द रिज्यूमे। रिज्यूमे लास्ट में आप क्या लिखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस। इधर मैंने लिखा है वर्कड एज कंप्यूटर टीचर फॉर 3 ईयर्स एट एपटेक आगरा, और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया टाइम कि उसने कब से कब तक काम किया था, दैट इज़ 2016 to 2019। देन लैंग्वेज नोन में क्या आ सकता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। देन स्ट्रेंथ क्या हो सकती है कि आपका गुड टाइम मैनेजमेंट है, ऐसे करके आप लिख सकते हो, लाइक यूर गुड अंडर वर्किंग इन प्रेशर, या यू कैन मल्टी टास्क द थिंग्स राइट, ऐसे करके। अब रेफरेंस में आप किसके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ फिक्शनल लिखा है, लाइक मिसेस सुमन घोष, HOD कंप्यूटर, MDU रोहतक। विद दैट योर 4A क्वेश्चन इज कम्प्लीट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4B, ठीक है। सो आई एम जस्ट रीडिंग आउट द क्वेश्चन। यू आर सुनील और मेघा, स्कूल लीडर ऑफ सुधीर पब्लिक स्कूल चेन्नई, ऑन द कम्प्लीशन ऑफ 25 years of meritorious service to the cause of education, your school celebrated its silver jubilee with great pomp and show. The celebration lasted 3 days, and in the true tradition of the school, each day was devoted to a noble cause of service. Special attention was paid to children with special needs, old age homes and orphanages. Students shared experience of voluntary service, and the theatre club put up short skits highlighting social concerns. Write report in 120 to 150 words about the event to be published in your school magazine. So, ये एक report writing का example है, ठीक है। ये आपको report लिखनी है हमने school के magazine के लिए। इसके first line में ही बता रखा है कि who are the reporters। So, report इसमें जो इसने दी है वो है सुनील या मेघा, जो कि school के leader हैं। तो आपके school के 25 years complete हुए हैं, उसी के basis पे आपका 3-day celebration चला है school में, और उसी के बारे में आपको डिटेल मतलब 120 से 150 वर्ड्स के बीच में रिपोर्ट लिखनी है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिपोर्ट राइटिंग। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस राइटिंग सेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द हेडिंग, ये टाइटल है आपका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, इसको टू द पॉइंट रखें। देन ऑन द राइट साइड यू विल राइट डाउन
बाय, ये बाय लाइन मतलब किसने रिपोर्ट पेश प्रेजेंट करनी है, किसने लिखनी है, उसका नाम लिखेंगे बाय मेघा, फिर कॉमा लगा के उसका डेजिग्नेशन, दैट अगर वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वो स्कूल लीडर है तो आप यहाँ पे स्कूल लीडर मेंशन कर देंगे। ऑन द लेफ्ट साइड आप लिखेंगे प्लेस एंड डेट, ठीक है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ स्टार्टिंग विद द बॉडी ऑफ रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर स्कूल सुधीर पब्लिक स्कूल हैज़ कम्प्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ मेरिटोरियस सर्विस टू द कॉज ऑफ एजुकेशन, वही जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो जब क्वेश्चन आपका लेंदी होता है ना तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको उसी में से मिल जाती है, तो आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो इसमें आप बस उसको अपने लैंग्वेज में मोल्ड करके और दो तीन पॉइंट्स और ऐड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आवर प्रिंसिपल डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस सिल्वर जुबली विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, तो अब आप बता रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल ने ऐसा सोचा है दैट लेट्स गिव इट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए, पॉम्प एंड शो मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन, बहुत ज़्यादा जील इंथुजियाज़म, ये सारी चीज़ दिखनी चाहिए। स्कूल वॉज वेल डेकोरेटेड, ऑब्वियसली बात है। अब आप मेंशन करेंगे कि चीफ गेस्ट कौन था आपके सेलिब्रेशन का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर कुमार मेयर ऑफ आर सिटी वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, तो आपके चीफ गेस्ट का नाम हमने लिख दिया। सेलिब्रेशन वाज लास्टेड फ्रॉम 10th May 2020 टू 13th May 2020, तो अब आपने यहाँ पे वो 3 डेज मेंशन कर दिए कि इस डेट से इस डेट तक सेलिब्रेशन चला है। ईच डे वॉज डिवोटेड टू अ नोबल कॉज ऑफ सर्विस, अब आप बताओगे कि ये हर 3 दिन में कुछ ना कुछ मतलब रिलेटेड टू नोबल कॉज किया गया था। पार्टिसिपेंट्स पेड विजिट टू ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, होम्स ऑफ चिल्ड्रन, होम्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो जिन्होंने भी वॉलंटियर किया था, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, वो इन जगह पे गए थे। नाउ इन द एंड, नाउ स्टार्टिंग विद द लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे द थिएटर क्लब ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, और किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लाइक थिएटर क्लब वालों ने किया था, दे पुट अप शॉर्ट स्किट्स हाईलाइटिंग सोशल कंसर्न, अब सोशल कंसर्न कौन से उन्होंने हाइड किए थे, स्किट्स होते हैं स्मॉल प्लेस, ठीक है, जो स्ट्रीट्स वगैरह पे खेले जाते हैं ऐसे टाइप के, लाइक जेंडर गैप, पॉवर्टी, करप्शन, द होल इवेंट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, अब आप इसको कंक्लूड कर दोगे कि जितना भी वो इवेंट हुआ था दैट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, द फंक्शन वॉज एंडेड विद एन इंस्पायरिंग स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट ने उस पूरे इवेंट को फिनिश किया बाई गिविंग अ इंस्पायरिंग स्पीच। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड विद, इफ़ यू लाइक सच कंटेंट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।